अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इंतहाई सीक्रेट एरिया 51 के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दहाइयों से ये जगह मिस्टीरियस बनी हुई है और इस जगह को एलियन से जोड़ा गया है। बेसिकली ये अमेरिकन एयरफोर्स का मिलिट्री बेस है, जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया भी है। बाज़ लोगों ने इस एरिया में UFOs देखने का भी दावा किया है और बाज़ ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने यहाँ उड़न तश्तरी से एलियंस भी उतरते देखे हैं। 1947 से अब तक एरिया 51 मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में शामिल है। एक तो बड़ी वजह यह भी है कि US गवर्नमेंट की तरफ से और US मिलिट्री की तरफ से इस तरफ जाने पर सख्त पाबंदी आई है। दूसरी वजह यह है कि यह मिलिट्री बेस इंतहाई सुनसान और गर्म सहरा में बना हुआ है, जहां कई मील तक कोई आबादी ही नहीं है और सिर्फ एक 250 किलोमीटर लंबी सड़क ही इस तरफ जाती है, जहाँ रस्ते में भी कोई फ्यूल पंप नहीं है। इसी वजह से लोग इस तरफ नहीं आते और ये जगह मजीद मिस्टीरियस बनी हुई है। हाल ही में अमेरिकन पार्लियामेंट में एक डिस्कशन होती है, जिसमें एक रिटायर्ड अमेरिकी मिलिट्री अफसर एलियंस की एरिया 51 में मौजूदगी और इनसे लड़ाई के बारे में बताता है। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots? Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that. कहानी शुरू होती है जुलाई 1947 से, जब अमेरिकन ने खलाई मखलूक की बात को बहुत फैलाया हुआ था। हर तरफ खलाई मखलूक और UFOs का टॉपिक डिस्कस हो रहा था। पूरे मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट से खबरें आ रही थी कि UFOs को उड़ते हुए देखा गया है। इसी दौरान न्यू मैक्सिको स्टेट के एक आदमी मैक ब्रेज ने कहा कि इसने अपने खेत में एक मलबा देखा है जो इस दुनिया का नहीं लग रहा, एक फॉइल, अजीब सी रबड़ और स्टील की कोई चीज़। इसे लगा इसका ताल्लुक शायद UFO से हो। वो इस मलबे को उठाकर इलाके के शेरिफ जॉर्ज विल्कोस के पास ले आया। मामले को मीडिया की पजेराई मिली तो इस पर आर्मी अफसर कर्नल विलियम की नज़र पड़ी, जो रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के कमांडिंग अफसर थे। नेक्स्ट डे ही आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज किया गया कि जो अब तक एलियंस की र्यूमर्स थी वो हकीकत बन चुकी हैं और वाकई खलाई मखलूक ज़मीन पर आ चुकी हैं। मगर फर्दर नेक्स्ट डे वो अपनी स्टेटमेंट से पलट जाते हैं और कहते हैं कि ये मलबा UFO का नहीं बल्कि वेदर बैलून का है, और मलबे की पिक्चर भी रिलीज कर देते हैं। इसके बाद UFO का क्रेज़ कम हो जाता है और काफ़ी साल तक एलियन सिर्फ फिल्मों कहानियों का हिस्सा रह गए। फिर 1970 में मीडिया में फिर एलियंस खबरों की जीनत बनी, जिसमें कहा गया कि न्यू मैक्सिको के पास एक UFO देखा गया है जो बिजली गिरने से क्रैश हो गया। मजीद ये भी कहा गया कि वहाँ तमाम एलियंस मर गए थे सिवाय एक के, वो जिंदा बच गया, जिसे मिलिट्री की टॉप सीक्रेट जगह पर रखा हुआ है और इनकी सौसर या उड़न तश्तरी को टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में रिसर्च के मकसद से रखा गया, ताकि वहाँ साइंटिस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी हासिल कर सकें। और बहुत से लोगों का मानना है कि वो एलियन और इन मरे हुए एलियंस के बॉडी पार्ट्स आज भी उसी टॉप सीक्रेट जगह पर हैं, और इस टॉप सीक्रेट जगह का नाम एरिया 51 है। जी हाँ दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ एलियंस पर ना सिर्फ रिसर्च की जा रही है, बल्कि यहाँ नई टेक्नोलॉजी से बनाए गए हथियारों, फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर वेपन की भी टेस्टिंग की जाती है। चलिए जानते हैं इस मिस्टीरियस और टॉप सीक्रेट जगह के बारे में, जहाँ जगह जगह वार्निंग्स लगी हुई हैं और हर आम इंसान के लिए नो गो एरिया है। तफसील में जाने से पहले, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नए आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एरिया 51 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया है, जो एक गर्म सहरा में है। यहाँ जगह जगह आपको ये साइन बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। सिर्फ 250 किलोमीटर लंबा हाईवे इस तरफ आता है और ये लास वेगस से 120 मील दूर है। यहाँ दिन में 40+ डिग्री टेम्परेचर होता है। एरिया 51 के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम रिचल निवाडा है, जिसकी आबादी सिर्फ 54 है। दोस्तों यहाँ ये मैं बताता चलूँ, एरिया 51 में मौजूद मिलिट्री बेस या रिसर्च सेंटर या वेपन टेस्टिंग सेंटर का कोई परमानेंट नाम नहीं रखा गया। इसके बहुत से अनऑफिशियल नेम हैं,
जैसा कि पैराडोज रेंच, वाटर टाउन, रेड स्क्वायर, द बॉक्स, द रेंच, नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, एयरफोर्स फ्लाइट टेस्ट सेंटर और डिटैचमेंट, और मशहूर ज़माना नाम एरिया 51। दरअसल इसे एरिया 51 इसलिए कहा जाता है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से नक्शे पर इसे यही डेजिग्नेशन दिया गया। वैसे तो ऑब्वियस है कि अगर एलियंस का जिक्र ना भी हो तब भी एरिया 51 को टॉप सीक्रेट ही रखना था, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ न्यू फाइटर जेट्स की टेस्टिंग की जाती है बल्कि न्यूक्लियर वेपन की भी टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, एक तबके का ये भी कहना है कि CIA ने UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की थ्योरी को मीडिया के जरिए खुद ही लोगों के जहन में बिठाया ताकि एरिया 51 में होने वाले न्यू जेट फाइटर्स की सीक्रेसी को बरकरार रखा जाए। और अगर कोई इस एरिया में किसी जहाज़ को उड़ता हुआ देख भी ले जिसका डिज़ाइन शक्ल मुख्तलिफ हो तो वो यही समझे कि एलियंस होंगे और किसी का भी ध्यान अमेरिका की फ्लाइंग टेक्नोलॉजी की तरफ ना जाए। ये बात एक तरह से तो सही भी है क्योंकि अगर हम आजकल के फ्लाइंग जेट्स को 1970 या 80 में देखें तो हमारे लिए वो UFOs ही हैं। और इस सोच को मज़ीद बढ़ावा देकर अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को मज़ीद सिक्योर बनाया जा सकता है। लोगों को सोचने दो कि ये एलियंस की उड़न तश्तरियाँ हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये हमारे टॉप सीक्रेट फ्लाइंग जेट्स हैं। मगर मुख्तलिफ स्टेट से UFOs देखने का दावा किया जाने लगा तो इस ज़माने में US एयर फोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक लॉन्च किया और जहाँ जहाँ UFOs देखने के शवाहिद मिले वहाँ इन्वेस्टिगेशन की गई, फिर अपने फ्लाइंग रिकॉर्ड से टाइम मैच किया तो टाइम सेम निकला। इस तरह बहुत से UFO वॉचिंग इवेंट्स को एयरफोर्स ने खुद एलिमिनेट किया और लोगों को बताया कि UFOs नहीं थे। इसलिए अब सॉसर की शेप के अलावा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना का नाम दिया गया ताकि सिर्फ सॉसर शेप के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को UFO कहा जाए और अमेरिकन एयरफोर्स UAP की जगह UFO देखे जाने वाले इवेंट्स की इन्वेस्टिगेशन कर सके। US एयरफोर्स के इस कीन इंटरेस्ट की वजह से ये सोच के एलियन की थ्योरी CIA की तरफ से मनगढ़ंत है दम तोड़ गई, क्योंकि एयरफोर्स पर्सनली UFO देखे जाने वाले वाकयात को इन्वेस्टिगेट करके शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। प्यारे साथियों, प्रोफेसर लोब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया। दरअसल इन्हें बहरुल काहिल से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं और ये चीज़ें तहलका खेज चीज़ें हैं। इन्हें शहाब साकिब के टुकड़े मिले हैं मगर तफसीली मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि ये चीज़ें शहाब साकिब नहीं हैं, ये एलियंस की क्राफ्टेड हैं। इसे किसी बड़ी जगह टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार किया गया और इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड है कि आप इसके ज़रिए चंद मिनटों में चांद पर जा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि इसे तफसीली जांचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल इस दुनिया का नहीं और ये एलियंस की स्पेस क्राफ्ट का पुर्जा है। दूसरी तरफ अमेरिका की कांग्रेस की हियरिंग में मिस्टर डेविड ग्रूस, जो अमेरिकन एयरफोर्स से रिटायर्ड अफसर हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर भी हैं, ने बताया कि अमेरिकन एयरफोर्स को ना सिर्फ एलियंस का स्पेसक्राफ्ट मिला है बल्कि एलियंस की बॉडीज भी मिली हैं और कहा कि हमारे पास वो है जो नॉन ह्यूमन है। ये भी कहा कि हमारी उनसे लड़ाई भी हो चुकी है, हमने इन्हें पकड़ा है और वो हमारी तहवील में है। इनके इस स्टेटमेंट ने दुनिया में तहलका मचा दिया और दोबारा से एलियंस का क्रेज़ बढ़ने लगा। अब आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो वीडियो के शुरू में बताया था जब 1970 में अमेरिकन मीडिया में खबर चली कि एक UFO आसमानी बिजली से क्रैश हुआ था जिसका मलबा और एलियन के पार्ट्स और एक ज़िंदा एलियन अमेरिकन मिलिट्री के कब्ज़े में। 1970 की इस न्यूज़ और हालिया इंटरव्यू को देखें तो मुमासलत पाई जाती है, मगर सवाल यह है कि आखिर अब 53 ईयर्स बाद ये बात क्यों पब्लिक की जा रही है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ, अमेरिका ने एलियंस एयरक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियर करनी थी जो मुमकिन तौर पर वो कामयाबी से कर चुके होंगे। मिस्टर डेविड ग्रूस की बात करें, उनकी क्रेडिबिलिटी की बात करें तो वो अमेरिकन एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर हैं और रिटायर्ड इंटेलिजेंस अफसर भी हैं। वो एरिया 51 में सर्विस कर चुके हैं। उन्होंने 2022 में विसल ब्लोअर कंप्लेंट
ICIG यानी US ऑफिस ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल में फाइल की ताकि इसे स्पॉट किया जाए एलियंस की क्लासिफाइड इन्फो US सेनेट सेलेक्ट कमेटी में शेयर करने में, मगर नज़रसानी ना हो सकी। मिस्टर ग्रोस का यह भी कहना है कि एलियंस की ये इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए US आर्मी ने कई अमेरिकन सिटीजन्स को ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया है बल्कि कत्ल भी किया है। डेविस ग्रोस का कहना है कि वो अपना ये क्लेम पब्लिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मगर वो मजीद डिटेल SCIF यानी सेंसिटिव कंपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फैसिलिटी के रैप को बता सकता है। इनका ये भी कहना है कि इनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स भी हैं जो कि वो पब्लिक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इन हालात को देखते हुए तो यही लगता है कि एरिया 51 में वाकई ही एलियंस मौजूद हैं। तो दोस्तों, अपनी राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।